हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार मुंबई स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव, जो पाव भाजी की भाजी से बनता है। और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है और बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल आखिर तक, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून तेल लिया है और 4 टेबलस्पून हमने यहाँ पर अमूल बटर ले लिया है, और बटर को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे इस तरीके से चलाते हुए। और हमारा बटर जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे 2 प्याज बारीक कटे हुए, आप चाहे तो थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दें। और प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, जब तक कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको हम चलाते हुए इस तरीके से भून लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो 2 शिमला मिर्च हमने लिया है, इसको हमने बारीक काट लिया है, और इसको भी प्याज के साथ हम चलाते हुए इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जब तक कि शिमला मिर्च थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। और इसी में हम डाल देंगे 3 टमाटर बारीक कटे हुए, और थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं ताकि टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। और इसी तरीके से चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए हमारे शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और नमक थोड़ा सा और डाल देते हैं हम। और इन सारी चीज़ों को चलाते हुए हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से भून लेंगे चलाते हुए। और पाव भाजी की जो मसाले की खुशबू है वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी लग रही है खुशबू। तो 1 कप हम इसमें डाल देते हैं उबली हुई हरी मटर, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 आलू उबले हुए, जिसको हमने क्यूब में इस तरीके से कट कर लिया है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जिस तरीके से पाव भाजी बनाई जाती है उस तरीके से ये तवा पुलाव बनता है। तो इसमें सारी चीज़ें हमने पाव भाजी की जो होती है वही हमने डाली है। और अब हम इसमें डालेंगे चावल, तो चावल को हमने नमक डालकर अच्छे तरीके से उबाल लिया था। तो 4 कप चावल हम इसमें डाल देंगे, आप चाहें तो बासमती राइस भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल चावल भी ले सकते हैं। तो हमने चावल में कोई कलर या हल्दी नहीं डाला, आप चाहें तो हल्दी डालकर भी इसको उबाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ले लेंगे, और इसको हम 2 चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से अच्छे मिक्स कर लेंगे। और ये तवा पुलाव जो है वो तवे पर बनाया जाता है, लेकिन ये पुलाव ज़्यादा है थोड़ा, मैं 2 से 3 लोगों के लिए बना रही थी इसलिए हमने इसको कढ़ाई में बनाया है। और हमारा तवा पुलाव बनकर तैयार है सर्व करने के लिए, तो इसको हमने सर्व किया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये तवा पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।